पास्ता तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से पास्ता बनाकर खाइए, आप इसके फैन हो जाएंगे। बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी है और टेस्ट तो ऐसा कि आप हर रोज़ यही बनाकर खाएंगे। तो चलिए आज की हमारी ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इस पास्ता को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैक्रोनी पास्ता लिया है, जो नॉर्मल पास्ता आता है। इसमें कई शेप आते हैं, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। तो इसे हम बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने गैस पे पानी रख दिया है, उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और पानी जैसे ही उबलने लगेगा पास्ता हम इसमें डाल देंगे। तो ध्यान रखना है, जब पानी उबलने लगे तभी हमें पास्ता ऐड करना है। और पास्ता को हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे, जैसे नॉर्मली हम पास्ता पकाते हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से पक ना जाए। बस ये ध्यान रखना है कि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। तो देखिए, पास्ता यहाँ पर हमारा पक चुका है, गैस मैंने बंद कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, एक छन्नी लेनी है और इसे छान देना है। पास्ता छानने के बाद जो पानी बचेगा उसे हम अभी फेंकेंगे नहीं, उसको हम अभी रखेंगे। तो छानने के बाद अब हम इसमें नॉर्मल या ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए और ये एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। तो बस इस तरह से पानी डाल के हिला लें तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो चलिए, तो पास्ता हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। अब हमें लेना है एक कढ़ाई या पैन, उसमें हम 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें हम 1 चम्मच बटर डालेंगे। तो बटर ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसे अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे। लहसुन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो जैसे लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, प्याज भी हमारा अच्छे से भून चुका है। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो 4 टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ पर बना लिया था। इस पास्ता में हमें टमाटर का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। तो देखिए, इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और एक बार फिर से चला लेते हैं। और चलाने के बाद टमाटर को हमें अच्छे से पकाना है, जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता। तो बीच बीच में चलाते रहना है। तो देखिए, मैंने टमाटर को अच्छे से पका लिया है, ये अच्छे से पक चुका है हमारा मसाला। अब हम इसमें 1 चम्मच टोमेटो केचप डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी हमें गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दूध और उसमें 1 चम्मच मलाई। तो दूध और मलाई मैंने साथ में मिक्स कर दिया है, 1 बड़ा चम्मच मलाई और दूध। तो बस इसको हम डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत रिच फ्लेवर आता है इस पास्ता का। तो एक बार आप इसे ज़रूर डाल के बनाइएगा ना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस डालने के बाद इसे हम ढक कर के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए, अच्छे से पक चुका है मसाला, एकदम रेडी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये पास्ता वाला ही पानी है जो हमने छान के रखा था। तो 2 करछी हम इसमें पानी डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा गीला पसंद है तो आप थोड़ा पानी और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पास्ता मसाला, जो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दोगुना कर देगी। तो 1 पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे, जो छोटा पैकेट आता है पास्ता मसाला का। तो थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने इसमें और डाल दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा कम लग रहा था। और उससे डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा है उसे भी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, सारी चीज़ें जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी हम इसे ढक करके 2 मिनट के लिए और पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और लीजिए, 2 मिनट मैंने इसे और पका लिया है और ये हमारा पास्ता एकदम रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें ड्राई नहीं करना है, इतना ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। अब हम क्या करेंगे, गैस बंद करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे, जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डाल देंगे और बस इसे मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है, बस गर्मा गर्म सर्व करना है। तो आप इसका टेक्स्चर देखिए और स्मेल तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और ये लंबे समय तक ऐसे ही मॉइस्ट और जूसी बना रहता है। जब आप इसको मुँह में डालेंगे ना तो बहुत ही क्रीमी और टेस्टी टेक्स्चर आएगा मुँह में, और मुँह में जाते ही आपको स्वाद तो ऐसा लगेगा कि वाह क्या बात है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।